राजधानी रायपुर में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक राज्य स्तरीय उल्लास मेला आयोजित किया गया। आयोजित मेले में मुख्यमंत्री साय ने 1,00,000 उल्लास साक्षरता केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में साक्षरता मिशन के तहत पूरे प्रदेश में 1,00,000 साक्षरता केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही 1,00,000 स्वयंसेवी शिक्षक और वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं जो प्रदेश को पूर्ण रूप से साक्षर में योगदान देंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़वासियों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और इस अवसर पर आज यहाँ उल्लास मेला का भी आयोजन किया गया है और इसमें पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और पिछले समय ये बंद हो गया था, ये कार्यक्रम फिर शुरू किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है कि सभी लोग साक्षर हों, कहें कि अनपढ़ और असाक्षर व्यक्ति ठीक से जीवन नहीं जी पाता है, उसका शोषण होता है, पग पग में वो ठगा जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी की भी और हम सबकी भी चिंता है कि सभी लोग साक्षर हों और ये साक्षरता मिशन का काम आज से शुरू किए हैं। 1,00,000 साक्षरता केंद्र पूरे प्रदेश में खोले जाएंगे और 1,00,000 स्वयंसेवी शिक्षक और वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं और सबका दायित्व होगा कि 10-10 को साक्षर करेंगे। लेकिन मैं इस अवसर पर सिर्फ उनका ही ये दायित्व नहीं है, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से आह्वान करना चाहूँगा कि अगर जिनको भी समय मिलता है और अड़ोस पड़ोस में कोई असाक्षर कोई अनपढ़ है तो उसको साक्षर करने का काम करें, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा और इससे हमारे प्रदेश को बहुत लाभ होगा।